कि कोई कर्म जिंदगी में ऐसा बिगड़ गया मुझसे कि संतान नहीं हुई। माताओं दुखी मत होना, ये हल्की सोच है। यदि समाज धिक्कारता है कि ये कर्मों की परिणति है तो इसमें गिलानी महसूस नहीं करना चाहिए। अथवा कोई नहीं भी कहता है तो स्वयं में गिलानी महसूस नहीं करना चाहिए कि मेरे संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई, संतान मिल जाती तो मेरी कोख धन हो जाती। कोख धन, ऐसी कम ही संतानें हैं जो मां की कोख धन करती हैं, ऐसी कम ही संतानें हैं जो मां की कोख को धन करती हैं, ऐसी तमाम संतानें हैं कि जो शैतान बन करके पता नहीं मां बाप को कहां कहां तक पहुंचा देती, शैतान बन करके, बोलो। लेकिन सत्य तो यह है माताओं, ठीक है भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा से तुम्हारी हरी भरी गोद हो जाए और ऐसी संतान तुम्हारी गोद में आवे, कोख में आवे कि जो भले ही भेष से संत ना हो लेकिन उद्देश्य से संत बन करके समाज का हित करे, कल्याण करे, ऐसी संतान तुम्हें मिले, ये मेरी हृदय की कामना है, भगवान से प्रार्थना है। लेकिन यदि कहीं प्रारब्धानुसार कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि जिसमें संतान नहीं कोख तक आई, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर पल हर क्षण अपनी जिंदगी को धिक्कारो, हर पल हर क्षण अपनी जिंदगी को धिक्कारो। मैं एक बात कहता हूं, आपने सुनी भी होगी कि मीरा जी ने सब कुछ भगवान को ही माना था कि नहीं माना था, ये बिल्कुल सत्य है कि नहीं, भगवान को ही सब कुछ माना, यहां तक कि सांसारिक पति के साथ विवाह हुआ लेकिन उस पति का त्याग किया, जो राज वैभव था उसका त्याग किया और भगवान के चरण शरण में आ गई, भगवान को स्वीकार कर लिया, पति के रूप में ही स्वीकार कर लिया, बोलो कर लिया कि नहीं। तो मीरा जी को वह परमात्मा पति के रूप में प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, जबकि पति था, पति तो था ना, मर थोड़ी गया था वो पति राणा, लेकिन मीरा जी ने उदासीन भाव में आकर उस राज्य से उदासीन भाव लाकर उस राज्य का भी त्याग किया, पति का भी त्याग किया और जाके भगवान की शरण में पहुंच गई। क्या राज्य का त्याग करना, पति का त्याग करना मीरा जी के लिए उचित था? उचित था क्या? मीरा जैसी आदर्श, मीरा जैसी महान साध्वी, ये तमाम जो है साध्वियां बन जाती हैं, खूब गीत संगीत होता है, सब कुछ भक्तिमय गीत होते हैं, लेकिन क्या मीरा की कोटि में कोई साध्वी पहुंच पाई आज तक? चाहे जितना मजीरा बजावे और चाहे जितना ढोल बजावे, लेकिन मीरा जी की स्थिति पर कौन आज पहुंच पाई साध्वी, जरा बता दो। यहां तक कि राधा जी को तो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर का बाम भाग ही बैठने को मिला, मीरा जी को तो भगवान का हृदय ही सदा सदा के लिए मिल गया, बोलो मिल गया कि नहीं। इसलिए मीरा धन्य है, उसने परमात्मा को ही अपना सब कुछ माना, क्योंकि उस राज्य के अंदर धर्म अनुकूल वातावरण न होने के कारण, समझ रहे हो कि नहीं, धर्म अनुकूल वातावरण न होने के कारण मीरा ने सबका त्याग कर दिया, संपत्ति और पति परिवार ससुराल सबका त्याग कर दिया। लेकिन जहां पर वातावरण उसे शुद्ध मिला, संतों के बीच में सत्संग मिला, सत्संग के माध्यम से भगवान की कृपा मिली, इसलिए मीरा जी ने सबका त्याग किया लेकिन संत और सत्संग का त्याग नहीं किया और उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। तो जब मीरा को इसी कलिकाल में पति के रूप में परमात्मा प्राप्त हो सकता है, तो आपको भी विश्वास करना, सारा समर्पण भगवान के चरणों में कर दो
मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि संतान नहीं है तो परमात्मा तुम्हें किसी न किसी रूप में संतान बन करके सुख प्रदान करेगा। यह विश्वास करने की आवश्यकता है। गलानी का विषय नहीं है ये गलानी का विषय नहीं है। और यदि कोई ये कहता है कि संतान इसलिए हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी वंश परंपरा चलती रहे, क्यों भाई हमारी वंश परंपरा चलती रहे, हमारा कुल खानदान चलता रहे, हमारा नाम चलता रहे, तो आजकल तो संतान नाम चलाने की बात लोग करते जरूर हैं, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि जैसे ही माँ बाप खत्म हुए तो त्रियोदशी नहीं हो पाती है, तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन पहले पहुंच जाती है कि इनका नाम काट के मेरा नाम चढ़ा दिया जाए। क्यों भाई, रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दुरुस्ती, उसको कहते हैं रिकॉर्ड दुरुस्ती, रिकॉर्ड दुरुस्त कराओ। अब बोलो भाई, अरे कहाँ तुम्हारी संपत्ति चली जाएगी, कौन इसे लूट ले जाएगा, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, बोलो भाई क्या जरूरत है। और सुन लो मेरी बात, माँ मर रही है, बाप मर रहा है, अगर बेटे को ऐसा एहसास हो जाए कि इनके पास कुछ है तो वो हिलाता डुलाता है, बोलो ना कहाँ रखा है, जल्दी बताओ कहाँ रखा हुआ है, क्यों भाई इतना घबराता है, हिलाता है डुलाता है कि ये बता दें कि धन यहाँ है, पैसा मैंने अमुक को दिया है। अरे उसके तो प्राण निकल रहे हैं, तुम हिला डुला के और प्राण निकाले दे रहे हो जल्दी। इतना धन के प्रति आकर्षण, इतना संपत्ति के प्रति आकर्षण, ये संसार माया का संसार है। ये माया समाज को संसार को भ्रमित करती है, और भ्रमित करती है प्यारे, तो उस भ्रमजाल में जो फंस जाता है वो संसार में मरता तो है लेकिन फिर भटकता है, फिर संसार में आता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जाओगे बार बार आओगे और फिर इसी चक्कर में पड़े रहोगे। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये मुक्ति नहीं है प्यारे, इसको मुक्ति नहीं कहते हैं और न ही इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति मीरा जैसी करो, भक्ति मीरा जैसी करो, और मुक्ति गीतराज जैसी लो। क्यों भाई, भक्ति मीरा जैसी होना चाहिए, सबरी जैसी भक्ति होनी चाहिए, मीरा जैसी भक्ति होना चाहिए, और मुक्ति परम बड़भागी जटायु जैसी होनी चाहिए, तब तो जीवन सार्थक है, नहीं तो जीवन निरर्थक है।